मुहर्रम पर शिया समुदाय ने निकाला जंजीरी मातम जुलूस। सच्चाई पर चलते हुए और यजीद के जुल्म से नहीं डरने वाले इंसाफ और ईमान पर चलते हुए खुदा की राह में आज ही के दिन शहीद हो जाने वाले हजरत हुसैन की सदाहत पर मनाए जाने वाले गमों का पर्व मुहर्रम दरभंगा में शांतिपूर्ण माहौल में मनाया जा रहा है। वहीं आज ही के दिन बहुत सारे मुसलमान समाज के लोग रोजा भी रखते हैं। आज मुहर्रम पर्व का समाप्ति का दिन है। इस गमगीन मौके पर दरभंगा के चंदन पट्टी इमामबाड़ा में शिया समुदाय के मुसलमानों ने हजरत इमाम हुसैन की सदाहत को याद करते हुए पारंपरिक जंजीरी मातमी जुलूस निकाला गया। जुलूस में शामिल युवा बूढ़े बच्चे भी इमाम हजरत साहब के सदाहत की याद में गम का इजहार कर रहे थे और बच्चे बूढ़े शहर की सड़कों पर सीना पीट कर गम का इजहार कर रहे थे। वहीं युवाओं की टोली ने तो जंजीरी मातम मनाते हुए अपने शरीर को लहू लुहान कर लिया। सड़कों की भीड़ युवाओं की शरीर से निकल रहे खून को देखकर ठहर सी गई थी। मातमी जंजीरी जुलूस इमामबाड़ा से शुरू होकर मातम करने वाले जुलूस की शक्ल में पूरे गांव का चक्कर लगाया। आपको बता दें कि ये चंदन पट्टी का मातमी मुहर्रम पूरे राज्य स्तर पर चर्चित है। इस्लामी मान्यताओं के अनुसार इराक में यजीद नाम का जालिम बादशाह इंसानियत का दुश्मन था। यजीद खुद को खलीफा मानता था लेकिन अल्लाह पर उसका कोई विश्वास नहीं था। वह चाहता था कि हजरत इमाम हुसैन उसके खेमे में शामिल हो जाए लेकिन हुसैन को यह मंजूर नहीं था और उन्होंने यजीद के विरुद्ध जंग का ऐलान कर दिया था। पैगम्बर ए इस्लाम हजरत मोहम्मद के नवाज से हजरत इमाम हुसैन को करबला में परिवार और दोस्तों के साथ शहीद कर दिया गया था। जिस महीने हुसैन और उसके परिवार को शहीद किया गया था वह महीना था मुहर्रम का। ये अम्बाड़े से निकला है फकीर तक क्या होते हुए कुछ अटोली होते फकीर तक क्या चौक चौक से सीधे हम लोग अम्बाड़े में इन करेंगे और दूसरा पाली फिर हम लोग करबला चलेंगे 2-2:30 बजे वहीं विश्राम किया जाएगा। जी इसमें किस किस प्रकार का माने इमाम हुसैन इस्लाम के इसमें शोक मनाते हैं 10 दिन और ऐसे तो 2.5 महीना हम लोग का गम ही रहता है मगर खुशी 10 दिन में ये रहता है।